कहावत आपने सुनी है, जिंदगी के सफर में सफर करते रहना जिंदगी को संवार देते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुराधा सिंह और यहाँ पर हमारा सफ़र स्टार्ट होता है मनाली के लिए। हम लोग नोएडा साइड रहते हैं तो मनाली जाने के लिए सबसे पहले हमने नोएडा सिटी सेंटर से आरके आश्रम के लिए मेट्रो लिया था, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था, क्योंकि हम जाम में फंसने से बच जाते, हमारे पैसे भी बच जाते और हमारी टाइमिंग भी बच जाती, टाइम थोड़ा हमारा सेव हो जाता। सो हमने मेट्रो लिया और मेट्रो से हम अराउंड एक घंटे में हम आरके आश्रम पहुँच गए। और हमारी जो बस थी वो शाम के 5 बजे थी और 5 बजे हम अपनी बस पे बैठ गए। अगर आप भी नोएडा साइड रहते हैं या गाज़ियाबाद रहते हैं, इवन आप दिल्ली में भी रहते हैं, तो आप भी ऐसे जा सकते हैं। आरके आश्रम से डायरेक्ट बस होती है, जो जिंग बस है वो डायरेक्ट आरके आश्रम से खुलती है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। इसलिए मैंने बता दिया सो दैट आपको हेल्प हो जाए अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मनाली जाने के लिए। तो गाने, विंडो सीट और बाहर का नज़ारा, कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना। तो मुझे विंडो सीट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ट्रैवल करते हुए इतनी बातें करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए सिर्फ बाहर देखती हूँ। मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पर बिल्कुल इंजॉय कर रही हूँ बाहर का नज़ारा और बहुत सुकून फील होता है जब आप विंडो सीट पर बैठते हो। तो वो कहावत आपने सुनी है, जिंदगी के सफर में सफर करते रहना जिंदगी को संवार देते हैं। मनाली पहुंचने के बाद हम रोहतांग पास, सुलांग वैली, मॉल रोड, हिडिम्बा टेंपल और भी बहुत जगह घूमने वाले हैं और हम सब कुछ आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। यहाँ पर मनाली सीरीज़ जो है वो 5 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि हर दिन हम अलग अलग शूट करेंगे, हर दिन को हम कैप्चर करेंगे और सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दैट आप घर बैठे बैठे आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर सको। अब 9:30 हो गए हैं और ये है डिनर टाइम। सो हम लोग अपना डिनर ले रहे हैं। अभी ब्रेक टाइम था तो हमने सोचा अब डिनर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी गुस्से में लाल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने डांट दिया था। मैंने वॉशरूम में थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो डांट खा गई कि उन्होंने बोला ब्रेक इतना लंबा नहीं मिला जो तुमने इतना टाइम लगा दिया। सो मैं थोड़ी गुस्से में लाल हो गई थी। सो आधे घंटे का ब्रेक जो है वो ख़त्म हो गया। हमने कैसे कैसे खाना खाया मुझे ये पता है, आधे घंटे में कोई भला कैसे जल्दी खाना खा सकता है, बट खा लिया जैसे भी खाना था। और अब फाइनली हम बस में आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम फाइनली। मुझे बस में नींद तो आती नहीं है तो मैं तो जगी ही थी और मैं कैप्चर कर रही थी। अपने हस्बैंड को भी मैंने कैप्चर कर लिया, उसमें ये वेब सीरीज़ में लगे हुए थे और बिल्कुल ब्लू लाइट है तो भला कैसे नींद आ सकती है। मुझे तो बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए सोते हुए, तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, इंजॉय करती हूँ व्यू। और यहाँ पर हो गया है हमारा गुड मॉर्निंग। सो आप व्यू देखो गाइस, मतलब मैं बहुत टाइम बाद सुबह देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट सोकर उठती हूँ। मैं 10-11-12 बजे सोकर उठती हूँ और बहुत ही सुकून फील होता है वैसे तो सुबह उठने में, जो कि मैं मिस कर जाती हूँ डेली। आप देखो ये बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पर। और ये नदी व्यास नदी है जो बिल्कुल मनाली में मतलब हर जगह ही है, ये नदी आपको हर जगह दिखेगी, ये व्यास नदी। गाइस देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है उगते हुए, बहुत ही अमेजिंग व्यू है ना, अमेजिंग व्यू। अगर नज़ारा इतना खूबसूरत हो तो सफ़र और भी आसान हो जाता है।
और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, मैं बस इंजॉय कर रही हूँ बाहर का व्यू। और आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए बाहर का व्यू, हम आपको वर्चुअली पूरा हिमाचल घुमाएंगे। पूरा हिमाचल तो नहीं, बट हम आपको रोहतांग पास, सोलांग वैली, हिडिंबा टेम्पल और भी बहुत जगह घुमाने वाले हैं। सो गाइज, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप फर्स्ट टाइम भी विज़िट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके पास नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तब तक आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा व्यू। अभी हम कहाँ पहुँच गए? स्टैंड से जा रहे हैं वापस अपने होटल में। सो हम जा रहे हैं बस स्टैंड से अपने होटल चेक इन करने के लिए। और ये धूप देखो, धूप है लेकिन ठंड भी है साथ में, हवा के साथ। सो गाइज, फाइनली 14 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं मनाली और ये है हमारा होटल। और अब हम जा कर के फ्रेश होंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जैसा बताया कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और मुझे क्या बाकी लोगों को भी नींद नहीं आई, बस पर नींद नहीं आती है मोस्टली को। सो देखो, अब भी आप एनर्जी देख सकते हो हमारी, अभी भी बिल्कुल हाई एनर्जी में है, बट फिर भी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे सो दैट हम आराम से शाम में घूमें। और ये हमारा फर्स्ट डे होगा मनाली में, और आगे आपको हम डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में वीडियोज़ दिखाएंगे। सो ये फाइनली है हमारा रूम जहाँ पर हम रुके हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम है, सो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम होटल जो है वो नीट एंड क्लीन है। और आप यहाँ पर देखो गाइस, आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं, कितना अमेजिंग व्यू विंडो से ही बाहर दिख रहा है। ये है बालकनी, बस सुकून मिल जा रहा था बालकनी जाते ही। मैं आगे इस होटल का एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं उसमें सब कुछ आपको दिखाऊंगी इस होटल के बारे में। अभी आप फ़िलहाल आप ये बालकनी से नज़ारा देख सकते हैं, आगे वीडियो में मैं पूरा होटल दिखाऊंगी आपको। आज चलना है मॉल रोड। मॉल रोड बस सो so, लोकल मनाली कहीं। अरे नितेश भी रोहतांग रूट। तो हम आ जाएंगे मॉल रोड, उसके बाद रेस्ट करेंगे, थक गए हम बस में बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारी नाइट जर्नी थी, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब फ्रेश वगैरह होकर हम रेस्ट करेंगे और शाम में हम जाएंगे कौन सा रोड, मॉल रोड जाएंगे और कुछ खाने का एक्सप्लोर करेंगे क्या है यहाँ पे, और बाकी रेस्ट ही करेंगे ज्यादा आज, क्योंकि कल रोहतांग पूरे दिन का है हमारा ट्रिप। कल सुबह सुबह निकलना है रोहतांग, तो आज रेस्ट करेंगे प्रॉपर और आप लोगों को दिखाएंगे लोकल मनाली। ये फिर मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद।